फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल अड्डा। माई सेल्फ हरदीप कौर, और आज इस वीडियो के जरिए हम पार्थिनोकार्पी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज पार्थिनोकार्पी? पार्थिनो मींस वर्जिन, और हम फॉल्स भी बोल सकते हैं इसे, स्यूडो। एंड कार्पी मींस फ्रूट्स। सो पार्थिनोकार्पी क्या होता है? फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट्स विदाउट पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, दिस इज नोन एज पार्थिनोकार्पी। व्हाट इज पार्थिनोकार्पी? फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट विदाउट पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। मतलब सीडलेस फ्रूट्स की फॉर्मेशन हो रही है बिना पॉलिनेशन और बिना फर्टिलाइजेशन के, उसे हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। It was first introduced by Knoll in 1902. अभी हम इसकी टाइप्स की बात करेंगे। पार्थिनोकार्पी की मेन थ्री टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी, देन स्टिमुलेटिव पार्थिनोकार्पी, एंड देन हॉर्मोनल बाय हॉर्मोनल ट्रीटमेंट। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी। वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी में क्या होता है? सीडलेस फ्रूट्स बन रहे हैं इसमें विदाउट द स्टिमुलस ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, इसमें पॉलिनेशन के स्टिमुलस की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन तो होती ही नहीं है, पॉलिनेशन के स्टिमुलस की भी जरूरत नहीं पड़ती है इसमें। सो व्हाट इज वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी? फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट्स इवन विदाउट द स्टिमुलस ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी। और फिग वगैरह में ये वेजिटेटिव टाइप ऑफ पार्थिनोकार्पी प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है हमारी स्टिमुलेटिव पार्थिनोकार्पी। स्टिमुलेटिव पार्थिनोकार्पी में क्या होता है कि पॉलिनेशन ऑफ स्टिमुलस की जरूरत होती है। ठीक है, सीडलेस फ्रूट की फॉर्मेशन के लिए पॉलिनेशन के स्टिमुलस की जरूरत होती है, बट विदाउट द एक्चुअल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है उसमें, बस एक पॉलिनेशन का स्टिमुलस चाहिए होता है पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करने के लिए। ठीक है, सो ये होती है स्टिमुलेटिव। स्टिमुलेटिव मीन्स स्टिमुलस की जरूरत है, तो इसमें पॉलिनेशन के स्टिमुलस की जरूरत होती है, तभी इसमें सीडलेस फ्रूट्स बनते हैं, लेकिन कोई एक्चुअल इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। ठीक है, सो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ग्रेप्स, ग्रेप्स में स्टिमुलेटिव टाइप की पार्थिनोकार्पी जो है प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हॉर्मोनल ट्रीटमेंट। सो हॉर्मोनल ट्रीटमेंट के साथ भी जो पार्थिनोकार्पी है इंड्यूस हो सकती है, पार्थिनोकार्पिक वेराइटीज जो है वो बनाई जा सकती हैं विद द हेल्प ऑफ हॉर्मोनल ट्रीटमेंट। सो इसमें हम जो हमारे ग्रोथ हॉर्मोन्स होते हैं, जैसे ऑक्सिन्स हो गया, ठीक है, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, या जिबरलिन्स वगैरह, ठीक है, ये यूज होते हैं टू इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। फॉर एग्जाम्पल टोमेटो, अगर हम ऑक्सिन्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, ऑक्सिन्स की हेल्प से टोमेटो के अंदर पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस किया जा सकता है। और वही जो जिबरलिन्स है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं टू इंड्यूस पार्थिनोकार्पी इन गावा फ्रूट्स। ठीक है, सो इनमें क्या है, हॉर्मोन्स की वजह से पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो ये थी इसकी मेन टाइप्स पार्थिनोकार्पी की, कौन कौन सी, वेजिटेटिव, स्टिमुलेटिव एंड हॉर्मोनल बाय हॉर्मोनल ट्रीटमेंट। ठीक है, देन एक और साइंटिस्ट था, उसने क्या किया कि पार्थिनोकार्पी को ये वाली तीन अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया, कौन कौन सी, जेनेटिक पार्थिनोकार्पी, एनवायरमेंटल पार्थिनोकार्पी एंड केमिकली इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी। तो पहले हम बात करेंगे जेनेटिक पार्थिनोकार्पी की। जेनेटिक पार्थिनोकार्पिक में क्या होता है कि इसमें पार्थिनोकार्पिक जो वेराइटीज है उनको इंड्यूस किया जाता है थ्रू हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, म्यूटेशन या फिर हाइब्रिडाइजेशन। सो इसमें म्यूटेशन और हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू जो पार्थिनोकार्पिक वेराइटीज है उनको अराइज किया जाता है, डेवलप किया जाता है। ठीक है, सीडलेस वेराइटीज को। सो फॉर एग्जाम्पल ग्रेप्स, ग्रेप्स में जेनेटिक टाइप की पार्थिनोकार्पी होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास वो है एनवायरमेंटल पार्थिनोकार्पी। एनवायरमेंटल पार्थिनोकार्पी में क्या है, मतलब कोई एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें हो गया, अगर हम पियर्स की बात करें, पियर्स में क्या होता है कि लो टेम्परेचर, फॉग या फ्रॉस्ट वाली जो कंडीशंस होती हैं वो पियर में पार्थिनोकार्पी प्रोड्यूस करती है।
ठीक है. सो लो टेम्परेचर फॉग या फ्रॉस्ट वाली कंडीशन में पियर में सीडलेस फ्रूट्स जो है वो डेवलप होते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट इसमें है केमिकली इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी. ठीक है. सो नेम से इंडिकेट हो रहा है केमिकली इंड्यूस्ड मतलब केमिकल्स की हेल्प से इनमें पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस किया जाता है. ठीक है. कोई भी किसी तरह के केमिकल्स हो सकते हैं या फिर इसमें हॉर्मोन्स भी आ सकते हैं ऑक्सिजन्स वगैरह हो सकते हैं. ठीक है. या पॉलन एक्सट्रैक्ट वगैरह उनकी वजह से इनमें जो है पार्थिनोकार्पी इंड्यूस होती है. ठीक है. तो सो ये थी पार्थिनोकार्पी की टाइप्स. कौन कौन सी टाइप्स हैं पहले जो साइंटिस्ट था जिसने इनको थ्री इसमें डिवाइड किया थ्री कैटेगरीज में वेजिटेटिव स्टिमुलेटिव हॉर्मोनल ट्रीटमेंट. वेजिटेटिव में विदाउट द स्टिमुलस ऑफ पॉलिनेशन पार्थिनोकार्पी हो रही है इंड्यूस. स्टिमुलेटिव में क्या है कि पॉलिनेशन का एक स्टिमुलस चाहिए होता है पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करने के लिए बट एक्चुअल फर्टिलाइजेशन नहीं होती है. हॉर्मोनल ट्रीटमेंट में ऑक्सिजेंस जिबरलिन्स हॉर्मोन्स की हेल्प से इन पार्थिनोकार्पी जो है वो इंड्यूस की जाती है. ठीक है. देन ये जो साइंटिस्ट था इसने किन कैटेगरीज में डिवाइड किया जेनेटिक एनवायरमेंटल एंड केमिकली इंड्यूस. तो जेनेटिक में थ्रू हाइब्रिडाइजेशन और म्यूटेशन पार्थिनोकार्पी इंड्यूस हो रही है. एनवायरमेंटल में कोई भी एनवायरमेंटल कंडीशन जैसे लो टेम्परेचर हो गया फॉग फ्रॉस्ट ये हेल्प करते हैं पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करने में. एंड केमिकली इंड्यूस्ड में कोई भी केमिकल्स हो सकते हैं हॉर्मोन्स हो सकते हैं पॉलन एक्सट्रैक्ट्स पॉलन पाउडर्स वगैरह हो सकते हैं जो कि पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करते हैं. ठीक है. तो ये थी पार्थिनोकार्पी एंड पार्थिनोकार्पी की टाइप्स. अभी मैं अगर इसकी सिग्निफिकेंस की बात करूं ठीक है. सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पार्थिनोकार्पी. पार्थिनोकार्पी में क्या होता है क्या सीडलेस फ्रूट्स बनते हैं. ठीक है. सो सीडलेस फ्रूट्स है इसके क्या भी फायदे हैं. देखो जो सीड्स होते हैं दे आर काफी इरिटेटिंग होते हैं जब हम फ्रूट्स वगैरह को कंज्यूम करते हैं. तो आप लोगों को भी पता है कोई भी फ्रूट हम कंज्यूम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल वाटरमेलन ही है. ठीक है. हम वाटरमेलन को खा रहे हैं उसमें जब सीड्स आते हैं तो कितनी इरिटेशन होती है ना. किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि उसमें सीड्स आए. तो हर कोई यही चाहता है कि बिना सीड्स से हमें वाटरमेलन मिल जाए है ना. तो पार्थिनोकार्पी एक ऐसा जरिया है जिससे हम सीडलेस फ्रूट्स को डेवलप करवा सकते हैं. ठीक है. ये जो मैंने आपको टाइप्स बताई किन किन वे से पार्थिनोकार्पी इंड्यूस हो सकती है. ठीक है. सो इन वे से क्या है कि हम सीडलेस फ्रूट बना सकते हैं. ठीक है. और सीड्स जो है वो क्या है उनसे हमें छुटकारा मिल सकता है. ठीक है. और एक तो इसका मेन फायदा ये है कि सीडलेस फ्रूट बनते हैं. ठीक है. और सीड्स जो है वो खाते फ्रूट्स खाते टाइम काफी ज्यादा इरिटेटिंग होती है. ठीक है. सेकेंड मैं अगर बात करूं जो फूड इंडस्ट्री है फूड इंडस्ट्री जहां पे फ्रूट्स वगैरह की प्रोसेसिंग होती है. ठीक है. फ्रूट्स की प्रोसेसिंग जब वो करते हैं तो उन्हें क्या करना पड़ता है कि सीड्स को अलग करना पड़ता है. ठीक है. फ्रूट से पहले उन्हें सीड्स को अलग करना पड़ता है फिर उसके बाद वो फ्रूट्स की प्रोसेसिंग करते हैं. सो अगर उन्हें सीडलेस फ्रूट्स मिल जाए तो उनका कितना सारा वो टाइम और लेबर वो चीज बच जाएगी सेव हो जाएगी. ठीक है. उनको सीड्स को अलग नहीं करना पड़ेगा. तो फूड इंडस्ट्री जो है ना वो हमेशा सीडलेस फ्रूट्स को ही प्रेफर करती है. तो ये इसके मेन दो फायदे हैं. एक तो जो खाने के लिए हमें सीडलेस वैरायटी ज्यादा अच्छी लगती हैं. ठीक है. दूसरा फूड इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है कि उनको प्रोसेसिंग के लिए जो एक्स्ट्रा वो टाइम जो सीड्स अलग करने में लगता है वो उनका बच जाता है. ठीक है. तो वो फूड इंडस्ट्री वाले भी क्या है कि सीडलेस फ्रूट्स को ही फेवर करते हैं. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट पार्थिनोकार्पी कि कैसे जो सीडलेस फ्रूट होती है. ठीक है. एक विदाउट पॉलिनेशन एंड विदाउट फर्टिलाइजेशन ये था हमारा पार्थिनोकार्पी. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. ठीक है. और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा. ओके गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.